नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूं। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, कॉस ए कॉस बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। कैसे बनाते हैं इस तरह का सवाल, ध्यान से समझिए। इस सवाल में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, इसलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यही समकोण त्रिभुज है ए बी सी जो है, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। इस ए बी सी समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण दिखा लेते हैं। यहाँ पर कोण सी जो है वह समकोण है, 90 डिग्री है, और कोण ए और कोण बी जो है वह न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। अब आइए दूसरा जो दिया हुआ है, कॉस ए और कॉस बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको लिख लेते हैं प्रश्न से, या चूंकि डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस ए और कॉस बी जो है दोनों आपस में बराबर है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी हम लिख लेते हैं। इसमें मान बैठा लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं बी बाई एच होता है, तो हम बी बाई एच लिखेंगे यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो हम बी बाई एच लिख लेंगे। सरल करते हैं, यहाँ जो मान बैठाना है बी और एच का, वो न्यून कोण ए के आधार पर बैठाना है, और यहाँ जो मान बैठाना है बी और एच का, न्यून कोण बी के आधार पर मान बैठाना है। तो सबसे पहले हम न्यून कोण ए के आधार पर बी और एच का मान बैठाते हैं। तो न्यून कोण ए जो देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 के ठीक सामने की जो भुजा होती है उस भुजा को हम एच कहते हैं। एच का मान जो है नहीं बदलता है, 90 के ठीक सामने की भुजा एच कहलाती है। न्यून कोण जो होता है उसी के ठीक सामने की जो भुजा होती है वो P कहलाती है, और न्यून कोण से सटी हुई जो भुजा होती है वह B कहलाती है। तो A न्यून कोण के अनुसार B का जो मान होगा वह AC हो जाएगा, न्यून कोण से सटी भुजा B हो जाएगा, तो B का मान जो है AC हो जाएगा। यहीं B की जगह पर AC लिख देंगे। 90 के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसी को H कहते हैं, तो H का मान जो है AB है, तो AB बैठा देते हैं। इक्वल का चिन्ह लिखते हैं, यहाँ न्यून कोण बी के आधार पर बी और एच का मान बैठाना है, तो जो भी न्यून कोण लेंगे उसी से सटी जो भुजा होती है उसी भुजा को हम बी कहते हैं। तो न्यून कोण से सटी भुजा आप देख रहे हैं बी सी है, इसलिए बी सी को हम बी मान लेंगे। 90 के ठीक सामने की भुजा एच है, एच का मान जो है हम ए बी लिख देंगे। दोनों का हर जो है बराबर है, तो हर से हर जो है दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा। आपको यह भी पता है, एक नियम जो है आप जानते हैं, इसलिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ए सी इजकल टू जो है लिख लीजिए बी सी। आप एक प्रमेय पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने की जो भुजा, सामने का जो कोण होता है वह समकोण होता है। एक त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। आप यहाँ यह नियम लिख सकते हैं, यह प्रमेय है जो 9th क्लास में आपको मिला होगा। एक त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। एक त्रिभुज में बराबर जो भुजा होती है उसी भुजा के सामने का जो कोण होता है वह बराबर होता है। एक त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यह नियम हम यहाँ लिख लेंगे, सामने का कोण बराबर होता है। इसी नियम के आधार पर जो है AC और BC दोनों भुजाओं के सामने के कोण को बराबर दिखाएंगे, बराबर होता है। यह नियम जो है आप याद रखिएगा कि एक त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC को ध्यान से देखिए, AC भुजा, तो AC भुजा के सामने का कोण क्या है, B है, इसलिए लिखेंगे AC के सामने का कोण जो हो जाएगा वह B। उसी तरह से BC भुजा के सामने का कोण क्या है, A है, तो यह जो है ई हो जाएगा। इसलिए कोण ए और कोण बी जो है दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपको सिद्ध करके लाना है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर करना था। इस तरह से यह दोनों जो है कोण ए और कोण बी जो है आपस में बराबर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार इस सवाल को आप समझ लीजिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। इस तरह के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और उस समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण दिखाते हैं। 90 डिग्री से छोटा जो होगा कोण ए और कोण बी होगा। यही समकोण त्रिभुज ए बी है, ए बी सी है, इसमें कोण सी जो है 90 डिग्री का है।
इस सवाल में कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर दिया हुआ है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी लिख दिए हुए हैं, कॉस का फॉर्मूला लिखे हुए हैं बी बटैच, यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला लिखे हैं बी बटैच। यहाँ ए न्यूनकोण के आधार पर बी और एच का मान बैठाना है, तो ए न्यूनकोण के आधार पर बी का मान आपका होगा न्यूनकोण से सटी भुजा यानी ए सी, ए सी हो जाएगा 90 के ठीक सामने की भुजा, एच का लाएगा तो एच की जगह पर ए बी। यहाँ बी न्यूनकोण के आधार पर बी और एच का मान बैठाना है, तो न्यूनकोण बी, बी न्यूनकोण के आधार पर न्यूनकोण से सटी भुजा बी होता है, तो बी की जगह पर बी सी बैठाएंगे, 90 के ठीक सामने की भुजा एच होगा तो एच की जगह पर ए बी बैठा देंगे। हर से हर कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर है, ए बी से बी कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी मिल गया। आप प्रमेय पढ़े होंगे कि त्रिभुज में, एक ही त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो एक ही त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए सी जो भुजा है और बी सी जो भुजा है वह दोनों बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, तो ए सी भुजा के सामने का कोण बी हो गया, बी सी भुजा के सामने का कोण ई हो गया, दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, यही आपको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। इस सवाल के आधार पर आपको एक सवाल दिया जा रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जिसमें साइन बी और साइन क्यू दोनों आपस में बराबर हो, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। इस सवाल को आप बनाइए और व्हाट्सएप पर जो है बना करके निश्चित रूप से भेजिए, ताकि आपकी कमियों को बताया जाए। आपको हमारा यह मेहनत कैसा लग रहा है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।